नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अभी दीपावली के दिन केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा करके पेट्रोल कीमतों में भारी कमी की है और इस कमी का आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है, इसी असर को जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के एक पेट्रोल टंकी में, जहां पर आए लोगों से हम बातचीत करके इस कमी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि विपक्षी के द्वारा लगातार पेट्रोल कीमतों को लेकर के सरकार पर तीखे प्रहार करते रहे हैं। देखना ये दिलचस्प है कि पेट्रोल और डीजल की जो ये कीमतें घटाई गई हैं, अब इसका आगामी राजनीतिक भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। आइए चल करके कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कीमतें घटाई गई हैं, इसका असर किस हद तक दिखाई दे रहा है। आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले दिनों घटाई गई हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ घटा दी गई। हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा हर चीज के रेट्स बढ़ रहे हैं और हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है, किसी चीज की कटौती नहीं हुई और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेट्रोल, जिसकी कटौती हुई तो सब लोग बहुत खुश हैं। और ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है क्या, क्योंकि चुनाव ही आने वाले हैं 2022 सब में, तो चुनाव पे असर पड़ेगा इसका। हाँ, इससे बहुत असर पड़ने वाला है चुनाव पे, और जो सत्ता में सरकार है उसका बहुत फायदा होने वाला है। तो एक तरीके से कीमतें एक उपहार लेकर के आई है दीपावली के। हाँ, कहा जा सकता है ऐसा। कितना और कमी होनी चाहिए, होनी चाहिए, अभी तो बहुत कमी होनी चाहिए, पेट्रोल 100 के ऊपर दाम जा चुका है, और कमी होनी चाहिए अभी तो, क्योंकि लगभग एक महीने में जितना बढ़ाया गया था उतना ही एक बार में घटा दिया गया है, तो यही एक सवाल है कि और ये और अच्छी चीज है तो और घटना चाहिए अभी, और क्योंकि हमारे देश की भी आर्थिक हालत इतनी सही नहीं है अभी, क्योंकि इस कोविड की वजह से इस पैंडेमिक में बहुत सारे इश्यूज परेशानियां आई, तो इस वजह से आर्थिक हालात, हाँ, एक इसको पॉजिटिव वे से भी देखना चाहिए कि हाँ कि ये अच्छा भी था, बट अब कुछ ज्यादा ही लोग परेशान हैं, उन वैसे भी बहुत लोग बेरोजगार भी हुए हैं, तो उनके बारे में भी सोचते हुए ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है सरकार ने। क्या नाम लिखते हैं आप? सैयद हन्नान। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छी बात है, अच्छी कम हुई है पेट्रोल की कीमत, पहले क्योंकि 120 के करीब पहुंच गया था, 100 के आसपास पहुंच रहा है, तो अब अच्छी बात। किस नजरिए से देखते हैं इसे? अच्छे नजरिए से देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी महंगाई के बाद 120 के करीब पेट्रोल पहुंचने के बाद अब घटाया गया है दीपावली के दिन, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, राहत तो मिली है जी, क्योंकि जो रेट पहले हो रहे थे उसके हिसाब से तो 15-17 रुपए करीब घटना, तो काफी फर्क तो पड़ता है। अब ये किस दिशा में, किस क्या सोच के सरकार ने क्या वो किया है, आगे इसकी क्या वो हो सकती है, ये तो खैर गवर्नमेंट ही बता पाएगी, लेकिन हाँ, आम जनता को कुछ से राहत तो हुई है बिल्कुल। और जैसे बीते दिनों उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की करारी हार हुई, कहीं उस हार का तो ये असर नहीं लगता है? पॉलिटिकली आप अगर इसको देखेंगे जी, तो वो देखिए स्टेट वाला है जी, वो भी एक पॉइंट हो सकता है, बट हमें नहीं लगता कि उस वजह से हो, क्योंकि ये तो सेंट्रल से कंट्रोल होता है, तो वो जो यूनियन गवर्नमेंट जो करती है वो वैसा होता है। अगले साल फरवरी में यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो घटाई गई कीमतों को किस नजरिए से देखते हैं, क्या चुनावों में भी इसका असर दिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव से ही तो ये रेट पूरा कंट्रोल करते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं, बड़ी बात नहीं हो सकता है आगे जाके, या और कम हो जाए रेट, या क्योंकि चुनाव है तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है जी। और कीमतें घटनी ही चाहिए जी? जी बिल्कुल, हमारा ये है कि जो पुरानी कीमतें थी 100 के अंदर या 100 के अंदर ले जाएंगे, डबल डिजिट्स में हो तो उतना अच्छा है जी। हाँ, ट्रिपल डिजिट्स में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और जो क्षेत्रों में महंगाई हो रही है इसके अलावा उसमें भी घटना चाहिए चीजें? हाँ देखिए, इससे सब कोरिलेटेड है पेट्रोल डीजल, ये इसके दाम बढ़ते हैं तो सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, ये कम हो जाएंगे तो उम्मीद है कि आने वाले समय में बाकी जो कमोडिटीज गुड्स है उसमें भी टैक्स कम, मतलब वो कम हो जाएगा। आपका शुभ नाम? सुबीर बैनर्जी। विपक्ष जैसे महंगाई का आरोप लगाता रहा है, तो क्या सरकार के मास्टर स्ट्रोक है विपक्ष के लिए कीमतें घटा करके? देखिए, ये बड़ा एक छोटा सा वो है, ठीक है, रेवेन्यू का बहुत बड़ा स्रोत है ये फ्यूल, बट इसको आप थोड़ा सा उससे अलग ही रखिए। मास्टर स्ट्रोक नहीं कह सकते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो उनके पास कई बड़े बड़े वो रखे हैं, क्योंकि कीमतें एक महीने में जितना बढ़ाई गई थी लगभग उतना ही एक बार में घटाई गई। हाँ हाँ बिल्कुल, वो आप कह सकते हो, ये तो करीब एक 6-8 महीने की कीमत एक साथ घटा दी उन्होंने, ये कल को बढ़ा भी सकते हैं, कोई इसमें कंफर्म नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाई गई, कैसा लग रहा है? और अगर क्या याद है,
पेट्रोल की प्राइस लगती वही आ रही है 111 रुपए लीटर, बट 3-4 दिन के लिए 120 रुपए का रेट थी, जो आज 111 आ गया। तो जब 7-8 रुपए हुआ तो उसके बाद 111 हुआ, 11 के बाद फिर 112-113 हुआ, उसके बाद सीधा 120 रुपए लीटर हो गया, उसके बाद फिर एकदम 9 रुपए का हो गया। पेट्रोल के रेट याद है पहले थे 80 हो जाती थी लगभग, जैसे पहले 80-85 रुपए लीटर था, फिर भी बहुत ठीक ही था, मतलब 100 रुपए के अंदर आ जाने के लिए तब कीमत घटी है।